फ्रिज में भूलकर भी न रखें ये 13 चीजें सेहत के लिए बन जाते हैं जहर। ज्यादातर लोग सब्जियों या फलों को फ्रेश रखने के लिए उन्हें फ्रिज में रख देते हैं। इसके अलावा समय के अभाव में या फिर अन्य कारणों की वजह से जो लोग रोजाना सब्जी फल नहीं ला पाते वे लोग फ्रिज में लाकर उन्हें स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि फ्रिज में ये चीजें लंबे समय तक फ्रेश रह सकती हैं। लेकिन कुछ फल और सब्जियों को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें अगर फ्रिज में रखा जाए तो वे फूड पॉइजनिंग का कारण भी बन सकती हैं। तो आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें फ्रिज में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। एक, टमाटर। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक टमाटर को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। अगर आप टमाटर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो कमरे के तापमान में रखें। दरअसल टमाटर को फ्रिज में रखने से उसका स्वाद, बनावट और सुगंध में बदलाव होने लगता है और टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो पकने के बाद एथिलीन गैस छोड़ती है जो सब्जियों को तेजी से पकाती है। इसलिए अगर टमाटर को रखना चाहते हैं तो कमरे में रखें। दो, आटा। घरों में अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं कई बार आटा ज्यादा गूंथ जाने पर उसको फ्रिज में उठाकर रख देती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत आपकी सेहत के लिए भारी पड़ सकती है? फ्रिज का तापमान बहुत कम होता है, वहीं दूसरी ओर गीले आटे में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाती है, जिससे फ्रिज में रखे गए आटे में कई तरह के बैक्टीरिया और हानिकारक केमिकल्स पैदा हो जाते हैं, जिन्हें फ्रिज में रखकर सेवन करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तीन, खीरा। खीरे को अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे कुछ दिनों तक रखा जाए तो ये तेजी से सड़ने लगता है, इसलिए खीरा को फ्रिज में न रखें बल्कि नॉर्मल टेम्परेचर पर रखें। इसके अलावा ज्यादा समय तक फ्रिज में रखा खीरा सेहत को बिगाड़ सकता है। चार, आलू। कुछ लोग बाकी सब्जियों के साथ आलू को भी फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन आलू को फ्रिज में रखने पर उसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाता है जो शुगर के मरीजों की ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। इसलिए आलू को फ्रिज में रखने के बजाय खुली जगह पर नॉर्मल तापमान में रखें। पाँच, लहसुन। लहसुन को भी अक्सर ज्यादा मात्रा में खरीदा जाता है और हमेशा इसे फ्रिज में भरकर रख दिया जाता है। ऐसी गलती करने से बचें, क्योंकि लहसुन में बहुत जल्दी फफूंद लगती है और खासकर छीली हुई लहसुन में जल्दी लगती है। लहसुन को कई तरह से स्टोर किया जा सकता है, लेकिन ताज़ा लहसुन को स्टोर करने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका किचन ही है, क्योंकि किचन में नॉर्मल तापमान पर लहसुन को स्टोर करने से उसकी तासीर नहीं बदली और वो सेहत के लिए उपयोगी बना रहता है। छह, प्याज। प्याज को हमेशा ठंडे, सूखे, अंधेरे और अच्छी तरह हवादार कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि प्याज आसानी से नमी को अवशोषित करते हैं। वहीं अगर तापमान या आर्द्रता बहुत अधिक है तो प्याज अंकुरित होने लगते हैं या फिर सड़ जाते हैं। इसके अलावा अगर प्याज को ठंडे कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो प्याज 2 महीने से भी अधिक चल सकते हैं। 7, अदरक। सर्दियों में देसी चाय में अदरक जरूर शामिल करें। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं और यह सर्दी से जल्दी ठीक होने में भी मदद कर सकता है। जब आप इसे रेफ्रिजरेट करते हैं तो यह जल्दी से फफूंदी पकड़ना शुरू कर देता है और इसके सेवन से किडनी और लिवर डैमेज हो सकते हैं। 8, चावल। पके हुए चावल को फ्रिज में रखकर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। चावल को फ्रिज में रखने से इसे ताज़ा रख सकते हैं, हालांकि चावल उन चीजों में से एक है जो फफूंद को सबसे तेजी से पकड़ता है। अगर आप चावल को फ्रिज में रखना चाहते हैं तो इसे 24 घंटे से ज्यादा न रखें। ऐसा करने से ये सेहत खराब कर सकते हैं और फफूंद में पाए जाने वाले बैक्टीरिया शरीर में कैंसर की गांठ बना सकते हैं। 9, दही। फ्रिज में लंबे समय तक दही को रखकर कभी भी खाने में इस्तेमाल न करें। ये दही आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। कोशिश करें रोज ताज़ा दही जमा कर खाएं। अगर फिर भी दही बच जाए तो उसकी कड़ी या फिर दही की सब्जी बनाकर खा लें। सीधे तौर पर बासी दही का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 10, बेकरी प्रोडक्ट्स। फ्रिज में कभी भी बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं रखने चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे पेस्ट्रीज, चॉकलेट और मिठाइयां स्टोर करके रखते हैं। चीनी, मैदे और कार्बोहाइड्रेट्स से बने इन बेकरी प्रोडक्ट्स का सेवन आपको हॉट, कब्ज
हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। 11. स्पाइसी चीजें। कभी भी स्पाइसी चीजों के फ्रिज में न रखें। मसाले वाली सब्जी, सॉस, चटनी और अचार में सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। फ्रिज में रखी इन चीजों का उपयोग करने से आपके शरीर के ब्लड प्रेशर लेवल बिगड़ सकता है। यदि आप इन सब चीजों का सेवन खाने के साथ करते हैं तो खाने के पोषक तत्व भी आपके शरीर को नहीं मिल पाएंगे। 12. तरबूज। तरबूज एकमात्र ऐसा फल है जिसे अगर फ्रिज में रख दिया जाए तो वह जहर बन जाता है, इसलिए तरबूज को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। 13. पपीता। फलों को भी फ्रिज में रखने पर वो बेकार और बेजान हो जाते हैं। पपीता को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, उम्मीद करते हैं शास्त्रों में बताई गई ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दे और साथ ही अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दे। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।